नौमा नजाज काबिले जिक्र पाकिस्तानी सुपरस्टार्स में से एक हैं। शोबिज इंडस्ट्री में जो बतौर अदाकार, एंकर और प्रोड्यूसर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। नौमान एजाज ने शुरू से ही अपनी फनकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्होंने अपने करियर का आगाज एक ड्रामे में मुख्तसर किरदार से किया। फनकाराना करियर का आगाज ही नौमान एजाज के लिए कामयाबी की जीनत साबित हुआ, जिसकी बदौलत वह हर किरदार में अपनी सलाहियतों को मनवा दे आए हैं। नौमान एजाज के कामयाब ड्रामों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: संगे मरमर, दिल ना उम्मीद तो नहीं, दुर्रे शहवार, दर से जाती है सिला, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, संगे माह, कितनी ग्रहें बाकी हैं, कैसी तेरी खुदगर्जी और रंग रेजा, आंसू, परिजात, डंग और सिर्फ ड्रामों में ही नहीं बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी कामयाबी हासिल की है। आज नौमान एजाज का शुमार मुल्क के सीनियर और कामयाब अदाकारों में होता है। नौमान एजाज की पैदाइश 14 फरवरी 1965 को लाहौर में हुई और 2023 के हिसाब से उनकी एज 58 ईयर्स है। नौमान एजाज की फैमिली का ताल्लुक लाहौर के इलाके उसरा से है। उनके वालिद लाहौर के सिनेमा हाउस के मैनेजर थे, जबकि वालदा एक हाउसवाइफ है। अदाकार की एक बहन और एक भाई है जिनका शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं है। नौमान एजाज ने तकरीबन 26 साल की उम्र में शादी की। उनकी वाइफ का नाम राबिया नौमान है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नौमान एजाज के 3 बेटे हैं, जिनके नाम शाहमीर नौमान, जवियार नौमान और रयान नौमान हैं। उनके बड़े बेटे जवियार नौमान का भी शोबिज से ताल्लुक है, वो भी एक बेहतरीन अदाकार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।